डेफिनेटली गाइस, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं. ओके, नाउ आपके पास जो टेक्स्ट बुक है दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ वर्क बुक. तो 99% ऑफ द स्टफ वो वहीं पर तो वो लिखा जाएगा. ओके, यू विल नॉट रिक्वायर योर नोटबुक मच फॉर एनी पर्पसेज. आई हैव लेफ्ट द प्लेस इन द टेक्स्ट बुक ओनली. ठीक है, आपका जहाँ पर इंडेक्स है मैंने दो चीज़ें करके तो वो रखा हुआ है उधर. फर्स्ट, ये जो इंडेक्स है आईसीए के मॉड्यूल के हिसाब से ही बना हुआ है. मॉड्यूल के अंदर भी 15 चैप्टर्स हैं. दीज आर एग्जैक्टली एज पर दैट पर्टिकुलर थिंग ओनली. सेकेंड, जब आप लोग पढ़ने वाले हो हाउ यू शुड ट्राई टू स्टडी, तो मैंने ऑर्डर ऑफ स्टडी करके तो वो दिया हुआ है. ओके, सो वेन एवर यू आर ट्राइंग टू स्टडी द चैप्टर्स, यू स्टडी द थिंग्स इन दिस ऑर्डर. दैट इज अ लॉजिकल ऑर्डर टू बी गोइंग थ्रू. तो दिस विल कवर अप अराउंड 80-90% of whatever is there in our regular course. Okay, obviously will be slightly faster क्योंकि वो crash course है, लेकिन मैं assumption मार रहा हूँ कि आपको costing का कुछ नहीं आता. Okay, so I'm trying to take up the things from the scratch the way that it should be done as such. Okay, phones off रखना in the class. Okay, we all will start. So, आपका जो paper pattern होगा, okay, वहाँ पे if you'll see index के नीचे, ये ICA ने तो वो दिया हुआ है, 20-30% will be theory. And 70-80% is going to be your practical paper. Okay, so in any case, I think few things you all know also. Apart from that, हर चीज़ का weightage institute के हिसाब से next page पर वो दिया हुआ है कि हर chapter का weightage वगैरह वो कितना है. ये institute के हिसाब से एक बार portion हो जाए, you can go through that particular thing, that will tell you that how important each topic is as such. ठीक है, तो हम लोग start कर लेते हैं. Our inaugural topic is going to be cost sheet only, so we'll start away. That should be chapter number 6. आप लोग उधर आ जाइए प्लीज. चलो सुनो, नाउ ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग ऑफ कॉस्ट. ओके, पूरा आपका जो सब्जेक्ट है कॉस्ट के बारे में है. सो गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ व्हाट एवर वी आर गोइंग टू बी डूइंग. सुनो, अगर पूरा सब्जेक्ट कॉस्ट के बारे में है, सो देयरफॉर देन लेट्स ट्राई टू डिवाइड द कॉस्ट इनटू फ्यू पार्ट्स फ्रॉम नाउ. वी से दुनिया का सारा कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट होता है या इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है. इनडायरेक्ट कॉस्ट वी ऑल ऑलवेज कॉल फ्रॉम नाउ एज ओवरहेड्स. डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है? डायरेक्ट कॉस्ट वो वाला कॉस्ट होता है विच इज डायरेक्टली इनकर्ड फॉर मेकिंग वन यूनिट. एग्जाम्पल, मैं ऐसा माउस बनाता है. ओके, तो एक माउस बनाएगा तो कुछ खर्चा डायरेक्टली तभी का तभी हो जाएगा. एग्जाम्पल, मेरा प्लास्टिक का खर्चा तभी का तभी लग जाएगा, मेरा लेबर का खर्चा तभी का तभी वो लग जाएगा. ये वो वाले खर्चे हैं विच आर डायरेक्टली इनकर्ड फॉर ईच एंड एवरी यूनिट. एक यूनिट बनेगा प्लास्टिक फिर से लगेगा, एक यूनिट एक और बनेगा प्लास्टिक फिर से लगेगा, लास्ट वाला यूनिट वो नहीं बनाता तो प्लास्टिक कॉस्ट नहीं लगेगा. ओके, दीज आर डायरेक्ट कॉस्ट. एक बेंच बनाता है, वुड लगता है, एक और बेंच बनाएगा, एक और बार वुड तो लगेगा. ओके, कारपेंटर्स को मैं पैसा देता है फॉर मेकिंग दिस पर्टिकुलर बेंच, वो लोग एक बेंच बनाएगा उसको फिर से पैसा देगा, एक और बेंच बनाएगा एक और बार पैसा देगा, एक बेंच वो लोग नहीं बनाएगा तो एक बार पैसा नहीं देगा. दीज आर डायरेक्ट कॉस्ट. डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब दीज आर इनकर्ड डायरेक्टली फॉर मेकिंग वन सिंगल यूनिट. एज अ कंसेप्ट हम लोग ऐसा बोल देते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट वो होता है विच आर फुल्ली वेरिएबल कॉस्ट. And they are fully variable to what? They are fully variable to units that you produce. अगर कोई भी cost तुम्हारा ये दोनों condition satisfy करता है, we say it is direct cost. Example, suppose in this case, ये अपना bench बन रहा है, ठीक है? एक बेंच बनाएगा इतना वुड लगेगा, एक और बेंच बनाएगा उतना वुड फिर से लगेगा. तो अगर एक बेंच के लिए वुड कॉस्ट इतना है, दो बेंचेस के लिए डबल हो जाएगा. ओके, ऐसा कॉस्ट विल बी कॉल्ड एज विच कॉस्ट यार? वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि वो हर यूनिट के लिए लगता रहता है. और जरा सोचो, बेंच के अंदर वुड कब लगता है? जब आप बेंचेस प्रोड्यूस कर रहे हो. तो ऐसा कॉस्ट इन दिस पर्टिकुलर केस आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज डायरेक्ट कॉस्ट. तो डायरेक्ट कॉस्ट वो होता है जो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करता है, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करता है, जो वेरिएबल कॉस्ट भी होता है और जो तब लगता है जब भी गुड्स तुम्हारा क्या होता है, प्रोड्यूस होता है. अगर कोई भी कॉस्ट ऐसा है दैट सेटिस्फाइज बोथ दीज कंडीशंस, हम लोग ऐसी कॉस्ट को कौन सा कॉस्ट बोल देते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट. उसका तीन आगे बाइफर्केशंस हो जाता है. कौन सा तीन? एक आ जाता है डायरेक्ट मटेरियल, एक हो जाता है डायरेक्ट लेबर, और लास्टली एक और चीज आ जाता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस.
अभी डायरेक्ट मटेरियल कौन सा कॉस्ट है याद रखना, अगर आपने ये कंडीशन और ये कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया तो मतलब अभी कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट तो है, लेकिन डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर इन ऑल कितना कॉस्ट आएगा? देयर आर थ्री हेड्स दैट आर पॉसिबल, एक डीएम, एक डीएल और एक डीई। डीएम कॉस्ट कौन सा कॉस्ट होता है? ये वो वाला मटेरियल कॉस्ट होता है जो तुम्हारे प्रोडक्ट के अंदर जाता है। एग्जाम्पल, मैं पेन्स बनाता है, ये पेन को बनाने के लिए प्लास्टिक चाहिए तो प्लास्टिक इस प्रोडक्ट के अंदर है ना। याद रखना डायरेक्ट मटेरियल वो वाला कॉस्ट होगा जो तुम्हारे प्रोडक्ट के अंदर है। एग्जांपल, क्या डायरेक्ट मटेरियल नहीं है? एग्जांपल, ये पेन मशीन्स के अंदर बनता है, मशीन्स को चलने के लिए कोयला भी चाहिए, क्या इस पेन के ना कोयला भी छुपा हुआ है? नहीं, वो जिधर भी आएगा लेकिन इधर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे प्रोडक्ट का पार्ट नहीं है। डायरेक्ट मटेरियल वो होता है जो तेरे प्रोडक्ट के अंदर होता है। ओके, ये ट्यूबलाइट है, इसके अंदर एक एलईडी का फिल्म होएगा, वो डायरेक्ट मटेरियल है क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर है। ओके, सो एनीथिंग दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ योर प्रोडक्ट कैन ओनली बी कॉल्ड एज डायरेक्ट मटेरियल। सेकेंड, डायरेक्ट लेबर इज द मनी पेड टू दोज वर्कर्स हु प्रोड्यूस योर प्रोडक्ट। कारपेंटर है, बेंच बना रहा है, वो डायरेक्ट लेबर है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इन दिस पर्टिकुलर केस सपोज कोई बंदा ये वाले पेन्स बनाता है, ओके, तो वो वाला जो चीज है इन दिस केस, वो उस बंदे को जो मैं पैसा देगा वो डायरेक्ट लेबर है। मेरा एक फैक्ट्री है फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ शर्ट्स, मेरे पास टेलर्स हैं जो लोग ये शर्ट बनाते हैं, ऑल दीज गाइज आर डायरेक्ट लेबर। लेकिन हर एक लेबर डायरेक्ट लेबर नहीं होता। सपोज मेरी कंपनी है जहां पर टेलर्स हैं और वो लोग शर्ट स्टिच करते हैं, मैं उनको हर शर्ट के लिए पैसा देगा, वो डायरेक्ट लेबर है। लेकिन मेरी फैक्ट्री के अंदर झाड़ू मारने के लिए भी लोग हैं, क्या वो लोग प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं? नहीं, वो वाला चीज कभी यहां पर नहीं आता। डायरेक्ट लेबर इज अ मनी पेड टू दोज पर्टिकुलर पीपल हु आर प्रोड्यूसिंग योर प्रोडक्ट। अगर वो प्रोड्यूस कर रहा है तो वो मेरा वर्कर है, तो वो मेरा डायरेक्ट लेबर है, वरना कोई भी और बाकी बंदा होएगा। एग्जाम्पल के तौर पर एक सुपरवाइजर है जो वर्कर्स को सुपरवाइज करता है, दीज आर कॉल्ड एज इनडायरेक्ट लेबर। एक बंदा है फैक्ट्री को झाड़ू मारता है, इनडायरेक्ट लेबर। एक बंदा है मशीन्स को साफ करता है, इनडायरेक्ट लेबर। एक बंदा है मशीन्स को ऑयल डालता है, ओके, इनडायरेक्ट लेबर। क्योंकि ये लोग क्या नहीं करते? प्रोडक्शन। सो दीज गाइस शुड बी इन्वॉल्वड इन प्रोडक्शन। ऐसा ही लेबर को हम लोग कौन सा लेबर कॉस्ट बोल देता है? डायरेक्ट लेबर। बस अगर कोई भी खर्चा ऐसा हुआ विच सैटिस्फाइज दिस कंडीशन एंड दिस कंडीशन, लेकिन मटेरियल नहीं हुआ, लेबर नहीं हुआ, तो वो किस चीज के अंदर आ जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक एग्जांपल अभी देता हूं, बाकी एग्जांपल्स वो धीरे धीरे तुम्हारे पोर्शन के अंदर आ जाएंगे। एग्जांपल से रॉयल्टी पेड, रॉयल्टी पेड बट रॉयल्टी पेड ऑन प्रोडक्शन। ओके, एग्जांपल के तौर पे, फॉर अ स्मॉल एग्जांपल, अभी सपोज मैंने ना एक कंपनी स्टार्ट किया फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ शूज। ओके, बहुत ट्राई किया, कोई खरीदता ही नहीं था क्योंकि कुछ ब्रांड नेम वगैरह वो नहीं था। मैंने अपने नाम के ऊपर वो बेचना स्टार्ट किया, लेकिन मेरे नाम पे कौन खरीदेगा, मैं कोई स्पोर्ट्समैन तो नहीं हूँ। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने विराट कोहली को पकड़ा, मैंने बोला मैं तेरे ब्रांड का शूज स्टार्ट करेगा वीके करके। बोलता ठीक है, तो बोलता कि पैसा भी तो देना पड़ेगा, बोला कि पैसा भी देगा फिर। ओके, मेरा उसका कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हुआ, जब भी मैं एक शू बनाएगा और मैं उसके ऊपर वीके डालेगा, ओके, वो मुझसे हर शू के लिए 150 रुपया लेगा। ओके, जरा सोचो क्या वो कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है? यस, मैं एक शू बनाएगा 150 रुपए देगा, दो शू बनाएगा तो 300। और मेरा उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है, जब भी एक शू बनाएगा तब 150 रुपए देगा। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जब भी एक शू बिकेगा तब 150 रुपए देगा। तो ये कंडीशन भी सैटिस्फाई हुआ, ये कंडीशन भी सैटिस्फाई हुआ, तो वो डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर आ गया। लेकिन जरा सोचो, जो मैं विराट कोहली का नाम यूज कर रहा हूं, वो मटेरियल कॉस्ट तो नहीं है, वो लेबर कॉस्ट तो नहीं है। ओके, तो ऑब्वियसली फिर वो किधर चला जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा एक क्राइटेरिया, डायरेक्ट कॉस्ट। ओके, अगर ये कंडीशन एंड ये कंडीशन सैटिस्फाई होगी फिर तू इधर ही घूमते रहना। ओके, अगर ये वाली कंडीशन सैटिस्फाई नहीं हुआ, तुम किधर पहुंच जाएगा? ओवरहेड्स के अंदर। ठीक है, मतलब अगर कॉस्ट वेरिएबल नहीं है फर्स्ट, या फिर इन दिस केस वो प्रोडक्शन के लिए नहीं लगता। एग्जांपल, विराट कोहली के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई एक शू बिकेगा तब तेको 150 रुपए देगा, तो दैट टाइम ये वाला खर्चा तब नहीं लग रहा जब शू बन रहा है, ये वाला खर्चा कब लग रहा है? जब शू बिक रहा है। तो देन वो वाला कॉस्ट इधर नहीं आएगा, किधर आ जाएगा? ओवरहेड्स के अंदर। तो ओवरहेड्स का कोई डेफिनेशन नहीं है, वी से ओवरहेड्स इज बैलेंसिंग फिगर। अगर कोई कॉस्ट ने ये दोनों कंडीशन सैटिस्फाई कर दिया तो वो क्या हो गया? डायरेक्ट कॉस्ट। सैटिस्फाई नहीं किया तो वो क्या बन जाएगा? ओवरहेड्स।
लेकिन ओवरहेड्स अगर आ भी जाता है तो फिर ओवरहेड्स का बहुत सारा वराइटीज है. अभी ध्यान से सुनना. यू हैव समथिंग कॉल्ड एज फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है. यू हैव समथिंग कॉल्ड एज एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, जिसका भी दो वराइटीज है वो तुमको मैं वो बोलता हूँ. उसके बाद एक आ जाता है S&D ओवरहेड्स, एंड लास्टली एक आ जाता है फाइनेंशियल ओवरहेड्स या फाइनेंशियल एक्सपेंसेस. अभी फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या होते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड्स आर ऑल दोज एक्सपेंसेस दैट आर इनकर्ड टिल द गुड्स मूव आउट ऑफ द फैक्ट्री गेट. फैक्ट्री गेट तक तेरा जो भी खर्चा होता है वो फैक्ट्री ओवरहेड्स होएगा, ऑब्वियसली प्रोवाइडेड वो तेरा डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है. प्लीज ये मत बोलना सर फैक्ट्री तक तो मटेरियल कॉस्ट का भी खर्चा होता है. लेकिन बेटा मटेरियल के लिए अलग से हेड है, लेबर के लिए अलग से हेड है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए अलग से हेड है. ओके, तो जिन चीजों के लिए अलग हेड है उनको उधर बात करो. अगर कोई भी खर्चा बच गया जो फैक्ट्री तक लग रहा है लेकिन क्या नहीं है डायरेक्ट कॉस्ट, तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा बेटा? फैक्ट्री ओवरहेड्स. ठीक, फैक्ट्री ओवरहेड्स को बहुत सारे नाम से बोल सकते हो. एक बोल सकते हो दीज आर कॉल्ड एज वर्क्स ओवरहेड्स, एक बोल सकते हो दीज आर कॉल्ड एज प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एक बोल सकते हो दीज विल बी कॉल्ड एज मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स. तुमको जो भी बोलने का है दैट इज ऑल फाइन. नाउ ये हो गया तुम्हारा एक चीज. अभी आगे, एडमिनिस्ट्रेशन एज अ वर्ड मीन्स इन दिस पर्टिकुलर केस मैनेजमेंट एक्सपेंसेस. ऑब्वियसली कई लोग वो चाहिए जस्ट टू मैनेज द बिजनेस. अगर सपोज मैं हमारी क्लासेस का बात करूं, ऑनेस्टली आई एम काइंड ऑफ अ वर्कर. ओके, मैं पढ़ा रहा हूं. ओके, ड्यू टू अस वी ऑल प्रोड्यूस, मतलब वी ऑल डिलीवर द लेक्चर्स. लेकिन अपने को यहां पर स्टाफ भी तो चाहिए टू मैनेज दिस एंटायर बिजनेस. ओके, इस चीज को थोड़े बड़े स्केल के ऊपर सोचो. एक कंपनी होएगा, गुड्स बनाता है, फैक्ट्री के अंदर लोग हैं जो लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसके अलावा उनका एक ऑफिस भी तो होगा. ऑफिस के अंदर लोग होंगे, ऑफिस का एक जगह होगा, वहां पर कंप्यूटर्स होंगे, वहां पर प्यून्स होंगे, वो सारे भी तो खर्चे हैं तुम्हारे. तो जो भी खर्चा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लगता है ऑल दैट पर्टिकुलर खर्चा विल बी कमिंग ओवर हियर. एग्जांपल से अमाउंट पेड टू ऑडिटर्स, ओके, वो भी तो काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ही होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अकाउंट्स. ओके, सो ऑल सच एक्सपेंसिस विल बी कमिंग ओवर हियर. ओके, इसका थोड़ा सा एक बाइफर्केशन वो आएगा थोड़ी देर के बाद. सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस. सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन दो अलग अलग वर्ड्स हैं. सेलिंग मतलब अमाउंट इनकर्ड टू सेल योर प्रोडक्ट मोर. एग्जाम्पल, विराट कोहली के साथ अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट वैसा होता, वैसा मतलब कि बेचने के ऊपर होता, तो फिर वो सेलिंग, क्योंकि उसके नाम की बदौलत आई बी एबल टू सेल. ओके, वो इधर आ जाता है एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, सेलिंग एक्सपेंसेस. तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? ऑब्वियसली एग्जाम्पल, आप लोगों ने अमेजोन से कुछ ऑर्डर किया. ओके, अमेजोन का बंदा पार्सल लेकर आएगा, वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ही है ना. दैट इज अ कॉस्ट इनकर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट देयर प्रोडक्ट्स. ओके, तुम्हारे लिए सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का बाइफर्केशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्योंकि तुम्हारा जो हेड है वो वैसे भी सेम है. ठीक है, हम लोग बोल देते हैं कि अगर कोई भी एक्सपेंस इधर इधर और इधर नहीं आता तो फिर वो इधर आ जाएगा. दिस इज फाइनेंशियल एक्सपेंसेस. फाइनेंशियल एक्सपेंसेस एग्जांपल से द बेस्ट एग्जांपल इज समथिंग लाइक से इनकम टैक्स. ओके, अभी इनकम टैक्स जरा सोचो, फैक्ट्री के अंदर तो नहीं लगता, उसकी वजह से बिजनेस अच्छा मैनेज तो नहीं होता. अगर ज्यादा इनकम टैक्स पे करेगा लोग तेरा ज्यादा गुड्स खरीदेगा, ऐसा थोड़ी होता है. ओके, तो कई एक्सपेंसेस होते हैं जो किधर भी नहीं आते, तो वो ऑटोमेटिकली किधर आ जाते हैं? फाइनेंशियल एक्सपेंसेस. फाइनेंशियल एक्सपेंसेस के अंदर से इनकम टैक्स आ जाएगा. से दैट एज एन ऑर्गेनाइजेशन मैंने डोनेशंस किया. ओके, डोनेशंस किधर भी नहीं आएगा यार, वो कोई भी एक्सपेंस नहीं है, तो फिर वो फाइनेंशियल एक्सपेंस. फाइनेंशियल एक्सपेंस को ना थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं और इसके अंदर कैपिटल गेन्स या कैपिटल लॉसेस भी डाल देता हूं. उसका मतलब कुछ ऐसा, सपोज मैंने एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, उसको प्रोडक्शन के लिए यूज किया, हर साल उसके ऊपर डेप्रिसिएशन आएगा. डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी विल कम ओवर हियर. डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर्स विच आर यूज इन ऑफिस विल कम ओवर हियर. Depreciation on vehicles which are used for delivery, okay, जैसे जो स्विगी वगैरह के वो जो स्कूटर वगैरह होते हैं, okay, वो सब कुछ किधर आ जाएगा? S&D. जरा सोचो, ये तीनों fixed assets हैं. Fixed assets 4 साल 5 साल use किए, उसके बाद बेच डाले, तो profit या loss होएगा. ये profit या loss रोज नहीं होता, these are one time losses, okay, या one time profits. ऐसे चीजें we say we are not interested. तो ऐसी चीजों को भी आप लोग किधर डाल देते हो? financial expenses के अंदर. ठीक है, तो इन ऑल इन दिस पर्टिकुलर केस आपके पास टोटली 7 heads होते हैं. ओके, 7 heads मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस,
फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन S&D, और जो भी इधर नहीं आया वो किधर आ जाएगा, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। कॉस्टिंग के अंदर हम लोग फाइनेंशियल एक्सपेंसेस का बात नहीं करते यार, ना मैं तुमको फाइनेंशियल अकाउंट्स नहीं सिखा रहा हूँ, वो तुम्हारा अकाउंट्स का पेपर है, मैं तुमको कॉस्टिंग सिखा रहा हूँ। सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दोज एक्सपेंसेस दैट कम बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल थिंग्स। एग्जाम्पल, इनकम टैक्स दुनिया में क्यों आया, बिकॉज यू अर्न मनी एंड यू इनकर सम एक्सपेंसिस, एंड के अंदर कुछ बच जाता है तो इनकम टैक्स कम्स। ओके, सो ऑल दीज पर्टिकुलर थिंग्स आर नथिंग टू डू मच विद योर नॉर्मल रनिंग ऑफ द बिजनेस। आई एम ओनली कंसर्न विद दोज एक्सपेंसिस जो तब लगता है जब आप धंधा चला रहे हो, जो तुम्हारे रोजमर्रे के खर्चे हैं, आई एम इंटरेस्टेड इन दोज पर्टिकुलर कॉस्ट। ये जो तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, कैपिटल गेन वगैरह हुआ ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, दीज आर वन टाइम कॉस्ट। ये हर रोज नहीं आते। हर रोज तुम लोग प्लांट एंड मशीनरी नहीं बेचते तो फिर गुड्स कैसे बनाओगे। ओके, सो अल्टीमेटली मेरे को यही छह कॉस्ट के अंदर इंटरेस्ट है। कौन से छह कॉस्ट बेटा? DM बोलते रहो, डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसिस, फैक्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन एंड S&D। ठीक है, अभी क्या हुआ, थोड़ी सी चीजें याद रखना क्योंकि यू आर डूइंग दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। जैसे अकाउंट्स के अंदर हर एक ट्रीटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की वजह से होता है। हर एक ट्रीटमेंट तुम लोगों ने जो भी जिंदगी के अंदर सीखा, माइट बी द फर्स्ट बेसिक रूल ऑफ अकाउंट्स एवर, सर स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, वो किसने बोला? रिवाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ने बोला, इंडिया 2 ने बोला। अभी तुमको मालूम है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बदले में तो इंडिया आर कमिंग, ऐसा कुछ मालूम है तुम लोग को? तो मालूम तुमको वो होना चाहिए, अगर नहीं मालूम तो। ओके, तो हर एक चीज जो है कोई ना कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वजह से है। तो जैसे अकाउंट्स के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, वैसे कॉस्टिंग के अंदर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो तुम्हारे पोर्शन के अंदर नहीं है, वो इंस्टीट्यूट की गलती है। क्योंकि तुम लोग कॉस्टिंग के अंदर जो भी करते हो इन स्टैंडर्ड्स की वजह से ही करते हो। इन्हीं स्टैंडर्ड्स को Obviously, कौन लॉन्च करता है? ICAI इंस्टीट्यूट। एक मिनट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन लॉन्च करता है? ICAI, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग फाइनेंशियल अकाउंट्स कंट्रोल करता है। लेकिन कॉस्टिंग स्टैंडर्ड्स ICAI लॉन्च करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट। कॉस्टिंग का जो ओल्ड पोर्शन था, ओके, जो IPCC वगैरह के अंदर था, अभी दैट ऑल्सो दोज गाइज आर चेंजिंग नाउ, वहां पर ओल्ड रूल्स था जहां पे ये वाले स्टैंडर्ड्स के अंदर क्या लिखा होता था आईसे कभी ध्यान नहीं देता था। लेकिन अराउंड इन द लास्ट ईयर उन लोगों ने यहाँ पे न्यू कॉस्ट शीट्स वगैरह वो निकालना स्टार्ट कर दिया विच आर एग्जैक्टली एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो तुम लोग जो भी कर रहे हो तुम्हारे मॉड्यूल के अंदर किधर भी नहीं तो वो लिखा हुआ, बट हैज बीन पिक्ड अप फ्रॉम कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ओके, तो इफ यू सर्च ऑन गूगल यू विल बी गेटिंग मेनी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अगर कभी टाइम वो मिलेगा बाद में पास होने के बाद, ओके, यू रीड ऑल दोस पर्टिकुलर थिंग्स एंड देन योर एंटायर पोर्शन ऑफ कॉस्टिंग इज एक्चुअली बेस्ड अपॉन दोस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ओनली जो ICAI ने लॉन्च किए हुए हैं। ठीक है, तो अभी न्यू कॉस्ट शीट के हिसाब से ना ICAI ने क्या किया, ध्यान से सुनना मेरी बात। उन लोगों ने एक तो बहुत डिटेल्ड फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट दिया, वो तुम्हारा मेरा लास्ट क्वेश्चन होएगा ऑफ द क्रैश कोर्स, क्योंकि मेरे को उससे पहले सब कुछ तुमको तो वो बताना है। ठीक है, तो हम लोग कॉस्ट शीट से स्टार्ट तो कर रहे हैं लेकिन बेसिक कॉस्ट शीट से, एडवांस कॉस्ट शीट जो फुल फॉर्मेट है वो लास्ट लेक्चर। ठीक है, लेकिन वो वाला फॉर्मेट करने से पहले मेरे को एक लास्ट काम वो करना पड़ेगा। अभी न्यू पोर्शन के हिसाब से ना उन लोगों ने यहां पर कुछ अलग किया। अलग क्या किया, वो लोग क्या बोलता है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस के अंदर सारे के सारे खर्चे डालो लेकिन इसके अंदर से वो वाले खर्चे निकाल दो जो फैक्ट्री को मैनेज करने के लिए लगते हैं। ओके, तो दीज फैक्ट्री ओवरहेड्स विल नॉट इंक्लूड एक्सपेंसेस दैट आर इनकर्ड फॉर मैनेजमेंट ऑफ द फैक्ट्री। दो एग्जाम्पल इन दिस केस। फर्स्ट, मेरा फैक्ट्री का एक मैनेजर था, उसका काम क्या है, सर फैक्ट्री को संभालेंगे सर, तो चलो ठीक है। ऐसा एक्सपेंस पहले ICAI उसको किधर डाल देता था, फैक्ट्री ओवरहेड्स, क्योंकि वो खर्चा फैक्ट्री के अंदर ही हो रहा है। लेकिन अभी उन लोगों ने उस खर्चे को अलग कर दिया, वो लोग क्या बोलता है, फैक्ट्री ओवरहेड्स के ना ये वाले खर्चे मत डालो। ओके, एक और एग्जांपल देता हूं, मेरे वर्कर लोग बहुत बेकार है, मेरे को उनके ऊपर जीरो ट्रस्ट है कि वो लोग काम करता है, मैंने CCTV कैमराज लगाया उसके ऊपर डेप्रिसिएशन आएगा। ओके, जरा सोचो ये वाला खर्चा फैक्ट्री के अंदर ही हो रहा है ना, बट इट इज अ खर्चा दैट इज इनकर्ड फॉर बेटर मैनेजमेंट ऑफ द
फैक्ट्री. उन लोगों ने क्या बोला, पहले ये वाले सारे खर्चे फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर आ जाते थे, लेकिन अभी ये वाले खर्चे हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड से निकाल देंगे. निकाल देंगे तो फिर किधर डालेंगे? तो ये लोगों ने क्या बोला कि ना, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स को लेट्स ट्राई टू डिवाइड इनटू टू पार्ट्स. वी से वी हैव जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स एंड वी हैव एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स विच आर इनकर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री. ओके, उसका मतलब क्या है, अगर सपोज तुम्हारा कोई खर्चा है जो फैक्ट्री के अंदर लग रहा है ताकि तुम्हारा फैक्ट्री बेटर चल जाए, ठीक है, एग्जाम्पल सैलरी ऑफ द फैक्ट्री मैनेजर, एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन ऑफ द सीसीटीवी कैमराज एसेट्रा, तो वो चीज अब से आप इधर डालो. ट्रेडिशनली ये वाली चीजें हमेशा किसके अंदर आ जाती थी, फैक्ट्री ओवर है, अभी नहीं आएंगी. ठीक है, एक और चीज वो लोग क्या बोलते हैं, उसके अलावा तुम्हारा एक ऑफिस भी तो होएगा, ऑफिस के खर्चे तो होंगे, एक लीगल टीम होएगी, एक ऑडिटर होएगा, एक एमडी होएगा, एक सीईओ होएगा, कंपनी के डायरेक्टर्स होंगे, वो सारे भी तो खर्चे हैं ना तेरे. ओके, ऑफिस का रेंट होएगा, अगर खुद का बिल्डिंग है तो डेप्रिसिएशन होएगा, ऑफिस के ना कंप्यूटर्स हैं उसके ऊपर डेप्रिसिएशन होएगा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, वो तेरे नॉर्मल ऑफिस के खर्चे हैं, उसको आज से हम लोग बोल देंगे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, तुम्हारा जो कॉस्ट शीट है इन्हीं चीजों के आसपास वो बना हुआ है. ठीक है, तो कॉस्ट शीट के अंदर मैं तुमको इन ऑल फॉलोइंग हेड्स अभी दिखा देगा. फॉलोइंग हेड्स मतलब ध्यान से सुनना, एक हेड मटेरियल उधर दिखाई देगा, एक हेड लेबर उधर दिखाई देगा, एक हेड डायरेक्ट एक्सपेंसेस उधर दिखाई देगा, फोर्थ हेड फैक्ट्री ओवरहेड्स दिखाई देगा, लेकिन उसके अंदर से कौन से खर्चे निकाल लेंगे, खर्चे दैट आर इनकर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फैक्ट्री उधर से निकाल देंगे आप लोग, क्योंकि वो इस हेड के अंदर स्पेशली आ गए. उसके बाद ये तुम्हारा सिक्स्थ हेड, ये तुम्हारा सेवन्थ हेड. उसके बाद एक और चीज वो बच गया जो मैंने रब भी कर दिया था, दैट इज फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, और वो तुम्हारे कॉस्टिंग सब्जेक्ट के अंदर ही नहीं आने वाला है. ओके, तो बस ऑल दीज थिंग्स विल कॉन्स्टिट्यूट वट एवर इज योर कॉस्ट शीट एज सच. ओके, राइट हैंड साइड पे पेज नंबर 6.2 आप लोग कई चीजें लिखो मेरे साथ राइट नाउ. क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट. राइट डाउन, डायरेक्ट कॉस्ट, ओवरहेड्स. डायरेक्ट कॉस्ट टू कंडीशंस, फर्स्ट वेरिएबल, सेकेंड related to production. Overheads, write down either first or second or both conditions. Not satisfied. Right now, direct material, direct labor, direct expenses. डायरेक्ट मटेरियल के नीचे लिखो, मटेरियल शुड बी फॉर्मिंग
part of the product. Direct labor. Labor should be involved in production. Direct expenses का कोई definition नहीं है, बस वहाँ पे लिख रहा हूँ any other direct cost. तो कोई भी और डायरेक्ट कॉस्ट वो हो गया तो वो इधर ही आ जाएगा. ठीक है, यहां पे ना ट्री डायग्राम के तौर पे नहीं करेंगे, यहां पर ऐसे करते हैं. लिखो फर्स्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स, आगे ब्रैकेट्स में लिखना एक्सक्लूडिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड for administration of factory. लिखो second. अभी जो उधर exclude किया वो अपना second head है, तो लिखो administration expenses incurred for administration of factory. Third, general administration or office expenses. Fourth, selling and distribution and marketing expenses. नेक्स्ट लाइन पे अपनी रेफरेंस के लिए यहां पे एक लाइन लिख देना, अबव इज बाइफर्केशन ऑफ कॉस्ट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. अबव इज बाइफर्केशन या क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बेस्ड ऑन cost accounting standards. चलो सुनो, लेफ्ट हैंड साइड पेज पे बेसिक कॉस्ट शीट है, तो इन्हीं चीजों का पोजीशन वी आर ट्राइंग टू नो थ्रू आवर कॉस्ट शीट. ठीक है, तो कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड, एक्चुअली वो ईयर एंडेड भी हो सकता है, मंथ एंडेड भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन. क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स जितना भी हुआ वो देख लेंगे, क्वांटिटी सोल्ड ऑफ फिनिश गुड्स जितना भी हुआ वो देख लेंगे. अभी कॉस्ट शीट का फॉर्मेट वी आर ट्राइंग टू डू. ओके, तो लिखना स्टार्ट करो फर्स्ट टू लाइन्स के बाद, एक पर्टिकुलर्स एक ब्लैंक लाइन, उसके बाद यू वाला राइटिंग. तो लिखिए जरा प्लीज, डायरेक्ट मटीरियल कंज्यूम्ड. ऑब्वियसली आपको डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे मिल जाता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक.
सुन, तुम्हारा कॉस्ट जो है वो एग्जैक्टली वैसे ही बनता है जैसे तुम्हारा प्रोडक्ट बनता है। तो मेरे को प्रोडक्ट बनाने के लिए पहले कौन से कॉस्ट की जरूरत पड़ती है बेटा? डायरेक्ट कॉस्ट। उसके अंदर भी सबसे पहले क्या चाहिए? मटेरियल। तो ऑब्वियसली फर्स्ट कॉस्ट दैट यू इनकर टू मेक द प्रोडक्ट इज मटेरियल कॉस्ट। ओके, इनर कॉलम, इनर कॉलम, इनर कॉलम, आउटर कॉलम एंड पर यूनिट वाला कॉलम। उसके बाद डायरेक्ट लेबर, आप लोग उसको चाहो तो डायरेक्ट वेजेस भी बोल सकते हो। सुनो, प्लीज डू रिमेम्बर, हम लोग कॉस्टिंग के अंदर अक्रूअल प्रिंसिपल्स ही फॉलो करते हैं। अगर कुछ वेजेस पेड हुआ तो भी इधर ही आएगा, अगर कभी वेजेस आउटस्टैंडिंग रहा, ओके, तो जैसे आप लोग अपने अकाउंट्स के अंदर करते हो अभी भी अक्रूअल सिस्टम ही आएगा। सो एड आउटस्टैंडिंग, वो जो भी होएगा, ऑल दो थिंग्स विल कम ओवर हियर, क्रॉस मार दो इधर। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों के टोटल को आप लोग प्राइम कॉस्ट बोल सकते हो। कई लोग आजकल उसको इंडिया में डायरेक्ट कॉस्ट बोलना स्टार्ट हो गए हैं। एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स, लेकिन ये वो वाला फैक्ट्री ओवरहेड्स है विच इज एक्सक्लूडिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री। तो ये तुम्हारा ओवरहेड्स का फर्स्ट वाला पार्ट इधर आ गया। टोटल अप कर लेंगे, दिस विल बी कॉल्ड एज ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। आप लोग उसको ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट भी बोल सकते हो, ग्रॉस प्रोडक्शन कॉस्ट भी बोल सकते हो, ग्रॉस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बोल सकते हो। एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। उसका पर यूनिट वाले के अंदर कुछ नहीं लिखना, दिस विल बी कॉल्ड एज नेट फैक्ट्री कॉस्ट। अभी तुम्हारा वो वाला हेड आ जाएगा, वो वाला मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, थोड़ा छोटा छोटा लिखो, इट माइट नॉट फिट अदरवाइज। देखो, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स फॉर एडमिन ऑफ फैक्ट्री। इस चीज को आप लोग COP बोल देगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, दैट विल गिव यू COGS। अच्छा, तो एक मिनट, अभी तक तुम्हारी कॉस्ट शीट के अंदर मैं बस देख रहा हूं कौन कौन से खर्चे आ गए। सर ये आ गया, 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 तो ये दोनों बच गए। ये दोनों खर्चे COGS के नीचे इकट्ठे ही आ जाएंगे। तो यहां पे लिख सकते हो एड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन स्लैश SND ओवरहेड्स।
बस नेक्स्ट लाइन कुड बी द लास्ट लाइन ऑल्सो लिख सकते हो कॉस्ट ऑफ सेल्स. सुनो ओरिजिनली कॉस्ट शीट इधर तक ही होती है, आगे बनाने की जरूरत नहीं पड़ती. आगे एक ऑप्शन इज योर्स, कभी वो लोग सेल्स दे देंगे तो प्रॉफिट भी निकाल लेना. ओके वो मर्जी तुम्हारी, इट इज नॉट कंपल्सरी एज सच. ओके तो सुनो देखो आई एम राइटिंग यू ऑल डोंट राइट, इट्स नॉट रिक्वायर्ड एज सच. ओके सुनो एड प्रॉफिट गेट सेल्स. लिसन ऑब्वियसली ये तुम्हारी पूरी कॉस्ट शीट के ना अभी सारे के सारे एक्सपेंसेस तो आ गए. सुनो अगर कभी सम के अंदर ऐसा वर्ड आया ना एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, तो बेटा एडमिन अभी तुम्हारी कॉस्ट शीट के ना दो दो जगह पे आता है. एक एडमिन इधर भी आता है और एक एडमिन इधर भी आता है. सामने कुछ नहीं बोला, अगर सामने कुछ बोला हिंट दिया अलग बात है, वरना अगर कुछ नहीं बोला अज्यूमेड टू बी जनरल ओवरहेड्स. ओके राइट हैंड साइड पर लिखो नोट्स और लिखो फर्स्ट. तुम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस दैट थिंग इज ओवर, जो कॉस्ट वाला था अभी लिखो फर्स्ट. लिखो इफ नथिंग इज टोल्ड अबाउट एडमिन ओवरहेड्स, कॉमा दे शुड बी अज्यूम टू बी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स. चलो सुनो अभी देखो ये कॉस्ट शीट के फॉर्मेट से अपनी को क्या पता चलता है, मेरे को तुम लोगों से क्या क्या चाहिए. ये कॉस्ट शीट का फॉर्मेट नथिंग टू मग अप, लेकिन ये कॉस्ट शीट का फॉर्मेट तुमको बहुत चीजें बताता है जो तुमको मालूम होना चाहिए कि क्या बताता है. ओके ध्यान से सुनना. सी एवरी स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट. ओके ऐसा हमेशा सुना ठीक है. फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर, फाइनेंशियल अकाउंट्स बोले तो तेरा अकाउंट्स का पेपर. ओके फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर. लेकिन याद रखना ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर दैट रूल कैन ओनली अप्लाई टू वन टाइप ऑफ स्टॉक दैट इज फिनिश्ड गुड्स. फिनिश्ड गुड्स का मार्केट प्राइस हो सकता है, रॉ मटेरियल मैं बेचने के लिए नहीं खरीदता हूं उसका मार्केट प्राइस थोड़ी होता है. WIP वो बेचने के लिए वो थोड़ी, वो तो आधा अधूरा स्टॉक है, कैसे बिकेगा वो. ओके तो याद रखना जो आप लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर भी सीखा स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिच एवर इज लोअर दैट थिंग ओनली वर्क्स फॉर विथ स्टॉक यार फिनिश गुड्स. लेकिन ऐसा किसने हमको बताया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ने. ओके बट दोज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर नॉट एप्लीकेबल टू कॉस्टिंग. तो याद रखना कॉस्टिंग के अंदर ऑल दी स्टॉक्स आर ऑलवेज वैल्यूड एट व्हाट यार कॉस्ट. ओके बस बात खत्म हो गई ठीक है. तो कॉमन सेंस चीज है, तेरा कंपनी है तेरा स्टॉक है, इट विल गेट वैल्यूड एट योर कॉस्ट नो यार. ओके तो कॉमन सेंस चीज है. तो मेरे को क्या डिस्कस करना बाकी है, डिस्कस करना बाकी है. देखो दिस इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, दिस इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, दिस इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. एवरी स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट ओनली ठीक है. लेकिन कॉस्ट का मतलब क्या, कॉमन सेंस चीज है. एवरी स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब सोचने का नहीं, इसके ऊपर देख लो. तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज वैल्यूड एट कॉस्ट. कॉस्ट का मतलब बेटा जी कौन सा कॉस्ट हो जाएगा, परचेस कॉस्ट. 11th स्टैंडर्ड से लेके आज तक कभी भी तुम लोगों ने रॉ मटेरियल स्टॉक को वैल्यू किया, सोच लेना सर रॉ मटेरियल के लिए एक ही तो खर्चा करता है, कौन सा खर्चा, परचेजिंग का. सो रॉ मटेरियल स्टॉक विल ऑलवेज गेट वैल्यूड एट विच कॉस्ट यार, परचेज. वैल्यूड का मतलब क्या होता है, वैल्यूड का मतलब ये होता है कॉस्ट निकाल ले भाई. ओके तो बस रॉ मटेरियल स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट. एग्जाम्पल मैंने प्लास्टिक खरीदा पेन्स बनाने के लिए, अभी तक प्लास्टिक यूज नहीं किया, मेरे पास प्लास्टिक वो पड़ा हुआ है. कोई मेरे को बोलता है सर वैल्यू प्लास्टिक एट योर कॉस्ट, तो देख ले तेरा कॉस्ट कितना था. ओके प्लास्टिक के लिए एक ही तो खर्चा हुआ रहेगा, क्यों
कौन सा खर्चा? गुड्स खरीदने का खर्चा और क्या. ओके सो रॉ मटेरियल स्टॉक विल ऑलवेज गेट वैल्यूड एट कॉस्ट. कॉस्ट का मतलब कौन सा कॉस्ट होएगा बेटा? परचेस कॉस्ट. नीचे ना कंक्लूजन फ्रॉम कॉस्ट शीट है पेज नंबर 6.1 पे. वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इज ऑलवेज डन एट कॉस्ट. कॉस्ट मीन्स रॉ मटेरियल के आगे लिखो परचेस कॉस्ट. सेकेंड सुनो, WIP स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट. WIP स्टॉक इधर है बेटा. WIP स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट. एग्जाम्पल, मैंने आधा पेन बनाया, ठीक है. अभी कोई मेरे को बोलता है सर आधा पेन इज योर WIP स्टॉक. आई सी यस इट इज वर्क इन प्रोग्रेस. तो सर इट इज टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट. वैल्यूड एट कॉस्ट का मतलब क्या होएगा? आधे पेन का तो कॉस्ट निकाल ले. अभी कॉमन सेंस है, आधे पेन को बनाने के लिए कुछ और लगा हो या ना लगा हो, मटीरियल कॉस्ट तो लगा होएगा. बोलते सर आपको कैसे मालूम? अरे पागल बना, देखो दिखाई कैसे देता है. ओके द फर्स्ट थिंग दैट यू इनकर टू मेक द प्रोडक्ट इज मटेरियल कॉस्ट. नो यार, अगर आधा पेन तेको दिखाई दे रहा है मतलब उसके मटेरियल तो है ना यार. और उसने सिर्फ मटेरियल नहीं होएगा, लेबर भी तो होएगा. वर्कर ने ही वो आधा पेन बनाया. ये चीजें यहां सोचते रहो, वरना कॉस्ट शीट का पैटर्न देखोगे तो सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट. कॉस्ट का मतलब इसके ऊपर देख लो. तो इसके ऊपर बेटा कौन कौन से खर्चे हैं? बोलते रहो. डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स एक्सक्लूडिंग द एक्सपेंसेस वगैरह, वो जो भी है, ठीक है. तो कभी भी तुमको बोला वैल्यू WIP स्टॉक एट कॉस्ट, तो कॉस्ट के ना चार खर्चे ही आ सकते हैं, ठीक है. तो सेकंड चीज जरा लिखो WIP के आगे नीचे लिखो DM प्लस DL प्लस DE प्लस FOH. आगे अगर चाहो वो चीज लिख देना एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री. अच्छा अभी नेक्स्ट थिंग यू ऑल कैन ट्राई टू टेल मी. मेरे को बोलो फिनिश गुड स्टॉक तो इधर आ रहा है बेटा. फिनिश गुड स्टॉक इज आल्सो वैल्यूड एट कॉस्ट. होनी कॉस्ट के ना चार कॉस्ट नहीं आएंगे, कॉस्ट के ना पांच कॉस्ट आएंगे. मेरे को बोलो कौन कौन से पांच कॉस्ट? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स वो वाला, और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री. ये वाला एडमिन नहीं, ये वाला एडमिन तो उसके नीचे आता है, ठीक है. तो फिनिश गुड्स के आगे पांच चीजें लिखो DM प्लस DL प्लस DE प्लस FOH प्लस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स फॉर एडमिन ऑफ फैक्ट्री. चलो सुनो, देखो अभी लास्ट चीज बस, फिर उसके बाद वी ऑल कैन स्टार्ट इट ऑफ. देखो इस कॉस्ट शीट का ना टेक्निकली स्पीकिंग मैं तुमको तीन पार्ट्स करके दे सकता था. ये तुम्हारा फर्स्ट पार्ट है, एक से हाँ, ये तुम्हारा फर्स्ट पार्ट है यहां से लेके यहां तक. ये तुम्हारा सेकंड पार्ट है यहां से लेके यहां तक. ये तुम्हारा थर्ड पार्ट है यहां से लेके एंड तक. अब ये तीन पार्ट्स क्यों भाई? ध्यान से सोचोगे तो समझ में आ जाएगा. मेरे को एक लाइन कंप्लीट करके ट्राई तो करो. चलो दिस इज माय मटेरियल्स का खर्चा, करेक्ट. दिस इज माय लेबर का खर्चा. सोच समझ के बोलना. मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, दीज आर नॉट इनकर्ड ओनली टू प्रोड्यूस फिनिश गुड्स. दीज आर ऑल्सो इनकर्ड टू प्रोड्यूस. एक और वर्ड बोलो आगे. मटेरियल लेबर का खर्चा सिर्फ फिनिश गुड्स बनाने के लिए तो नहीं होता, उनका खर्चा एक और चीज की वजह से भी होता है. WIP अभी अभी तो लिखा तुम लोगों ने खुद ब खुद अपने पर्सनल हाथों से नीचे वो लिखा था अभी अभी. सर WIP स्टॉक विल गेट वैल्यूड एट कॉस्ट, उसके अंदर भी मटेरियल तो होएगा. इसी चीज का उल्टा मतलब बस वो पूछ रहा हूं. तो
मटेरियल कॉस्ट का खर्चा सिर्फ फिनिश गुड्स बनाने के लिए नहीं होता, डब्ल्यूआईपी के लिए भी होता है. सपोज मैंने दो पूरे बेंच बनाए, एक आधा बेंच बनाया, तो मेरा मटेरियल तो ढाई बेंचेस के लिए ही लगा ना, मतलब. ओके, ये चीजें सोचते रहो, वरना कॉस्ट शीट तुमको सब बता देता है. ऑल दीज एक्सपेंसेस आर रिटन अबव डब्ल्यूआईपी, देयरफोर दे आर ऑल्सो इनकर्ड फॉर डब्ल्यूआईपी. तुमको समझ में आता है? तो याद रखना, चार चीजों का खर्चा, चार बोले तो डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये चार चीजों का खर्चा क्या क्या बनाने के लिए होता है? क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स एंड क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ डब्ल्यूआईपी. ठीक है, टेक्स्ट बुक नीचे पॉइंट नंबर टू, एवरी एक्सपेंस इज इनकर्ड फॉर विच क्वांटिटी, डीएम, डीएल, डीई एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स. उसके आगे लिख के रखो, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स प्लस क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ डब्ल्यूआईपी, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स प्लस क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ डब्ल्यूआईपी. चलो सुनो, देखो स्क्रीन पे देखना बराबर से. देखो जरा सोचो, यहां पे मैंने खर्चा लिखा फॉर मेकिंग फिनिश गुड्स एंड डब्ल्यूआईपी, खर्चा लिखा फॉर मेकिंग फिनिश गुड्स एंड डब्ल्यूआईपी, खर्चा लिखा फॉर मेकिंग फिनिश गुड्स एंड डब्ल्यूआईपी, खर्चा लिखा फॉर मेकिंग फिनिश गुड्स एंड. तो यहां तक जो भी अभी तक मैंने हाईलाइट किया है, यहां तक तुम लोग खर्चे लिख रहे थे फॉर मेकिंग फिनिश गुड्स एंड डब्ल्यूआईपी. लेकिन जरा सोच, तूने अभी अभी क्या कर डाला? सर जो भी गुड्स, ध्यान से देखना, जो भी गुड्स कंप्लीट नहीं हुए सर, उसका कॉस्ट मैंने इधर लेस कर दिया. तू अभी तक यहां तक कौन से वाले खर्चे रिकॉर्ड किया? जो खर्चे हुए फिनिश गुड्स के ऊपर भी, आगे बोलो, डब्ल्यूआईपी. तो सपोज तूने यहां पे ढाई बेंच तक जो भी तेरा खर्चा हुआ ढाई बेंचेस के लिए सब रिकॉर्ड कर डाला, ठीक है. लेकिन अब जरा सोच, यहां पे एक टाइम आया जहां पे तेरे को लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी करने का था. तो कैन वी से जो भी तेरा आधा बेंच है उसका खर्चा तू इधर लिख ही डालेगा? तो मेरे को जरा बोलो, यहां तक कौन सा कॉस्ट फ्लो करेगा? वही वाला खर्चा विच इज इनकर्ड फॉर फिनिश गुड्स, क्योंकि डब्ल्यूआईपी का खर्चा तो ऊपर अटक गया. तुमको समझ में आता है? तो अब बराबर से जरा देखना मैं क्या हाईलाइट करता है. यहां से लेके यहां तक यू आर राइटिंग एंटायर खर्चा ओनली फॉर मेकिंग फिनिश गुड्स, ओनली फॉर मेकिंग फिनिश गुड्स, क्योंकि डब्ल्यूआईपी का खर्चा तो ऊपर अटक चुका है. तो नीचे जरा देखो, मैंने 2B के अंदर क्या करके रखा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोडक्शन बेस. प्रोडक्शन बेस मतलब वो बड़ा वाला मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स. बोलो आगे, फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री. बेटा मैं उसी चीज का बात कर रहा ना यार, अभी बार बार इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस वो नहीं लिखेंगे. ओके, तो ये वही वाली चीज है. तो मेरे को जरा बोलो, यहां पर सारे के सारे खर्चे आर इनकर्ड ओनली फॉर विच क्वांटिटी, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स. लिखो तुम लोग, एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट नंबर वन, प्रोडक्शन बेस्ड आगे लिख के रखो, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स. चलो सुनो, फिर अभी एक और लास्ट चीज कुछ अजीब करता हूं, ठीक है, लेकिन थोड़े से नंबर्स बदलता हूं. सपोज मैंने 10.5 बेंचेस बनाए, ठीक है, तो कैन वी से यहां पर 10.5 बेंचेस का कॉस्ट आ रहेगा. फिर एक टाइम आया जहां पे किसी ने मेरे को बोला, सर आधे बेंच डब्ल्यूआईपी स्टॉक है, सर निकाल दो उसको. मैंने निकाल डाला, तो यहां पर कितने बेंचेस का कॉस्ट अटक गया बेटा? हाफ बेंच. तो कैन वी से फैक्ट्री कॉस्ट तक कितने बेंचेस का कॉस्ट गया रहेगा? 10. यहां पर भी 10 बेंचेस का कॉस्ट, यहां पर भी 10 बेंचेस का कॉस्ट, यहां पर भी 10 बेंचेस का कॉस्ट, ठीक है. तो 10 बेंच पूरे के पूरे बन गए थे, वो तो फिनिश गुड्स थे सारे के सारे, ठीक है. तो मैं उसको मार्केट के ना बेचने के लिए गया, 10 के अंदर से 2 नहीं बिक सके. तो कैन वी से यहां पर एक वक्त आएगा जहां पे आप लोग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी लिखोगे. तो 10.5 के अंदर से आधा तो पहले ही निकल गया था, तो 10 बेंच बच गए थे. 10 के अंदर से 2 और बेंच बिके नहीं. कैन वी से जो गुड्स प्रोड्यूस होकर नहीं बिका वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हो जाएगा. तो कितने बेंच नहीं बिके? 2. मतलब मेरे को बोलो बाकी 8
बिक गए, तो यहां पर भी मैंने भी तो वही लिखा है कॉस्ट ऑफ, बोलो आगे, बोलो आगे, गुड्स सोल्ड, तो यहां तक सिर्फ वही वाला कॉस्ट रहेगा विच इज सोल्ड, ठीक है। तो कैन वी से COGS ऑनवर्ड्स वी आर ओनली टॉकिंग ऑफ दैट क्वांटिटी विच इज सोल्ड, ओके। और तुमको समझ में आएगा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन भी इधर ही आता है, एसएनडी भी इधर ही आता है, सो बोथ ऑफ देम विल बी डिपेंडेंट अपॉन विच क्वांटिटी, क्वांटिटी सोल्ड। तो दोनों के आगे लिख के रखना, 2B2 जनरल के आगे भी लिख के रखो क्वांटिटी सोल्ड ऑफ फिनिश्ड गुड्स, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के आगे भी लिख के रखो क्वांटिटी सोल्ड ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अच्छा सुनो, अभी आईसीए के न्यू मॉड्यूल्स के हिसाब से अगर कभी इंटरेस्ट आया ना, इंटरेस्ट आया, दे ऑल से इट इज पार्ट ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, पहले जो भी था वो सब निकल चुका है, नाउ इंटरेस्ट एज पर देम शुड बी पार्ट ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। इंटरेस्ट मतलब डिबेंचर्स इश्यू किया उसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा, लोन्स लिया उसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा, ये जो होता है ना दीज आर कॉल्ड एज नॉन इक्विटी फंड्स। एक मिनट, दुनिया में तीन टाइप ऑफ चीजें होती हैं, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और उसके बाद डिबेंचर्स। पहले दो के ऊपर इंटरेस्ट नहीं होता, डिविडेंड होता है, डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट आता है, डिबेंचर्स विल इंक्लूड लोन्स ऑल्सो, ठीक है। तो इन दैट पर्टिकुलर केस जो भी इंटरेस्ट आएगा पहले चार साल पहले तक उसको अपन लोग फाइनेंशियल एक्सपेंस मानते थे, ओके, लेकिन अभी न्यू कॉस्ट शीट के अंदर इट इज सपोज टू बी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, ठीक है। तो वो चीज आप लोग वो बाजू में नोट्स वो लिख रहे हो वहां पे सेकंड नोट के तौर पे लिखो, लिखो इंटरेस्ट ऑन नॉन इक्विटी फंड, is assumed to be general administration, to suno। बस वहां पे एक लास्ट नोट दैट वी हैव टू बी राइटिंग, सुनो, अगर कोई भी क्वेश्चन के अंदर आप लोग को बोला गया कि आप कॉस्ट शीट बनाओ, ठीक है, कॉस्ट शीट बनाओ, तो मेरे को कॉस्ट शीट बनाने के लिए ना, टू स्टार्ट ऑफ द कॉस्ट शीट मेरे को चार क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, उसके बाद क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स, उसके बाद क्वांटिटी सोल्ड ऑफ फिनिश गुड्स। ऑब्वियसली जो भी बैलेंसिंग फिगर बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है। आपको चार में से तीन चीजें दे देंगे, एक चीज आप लोग बैलेंसिंग फिगर के तौर पे ये अकाउंट बना के निकाल लेना, ठीक है। ऑब्वियसली शुरू में इतना था इतना और बनाया, ये अमाउंट किधर, ये जो क्वांटिटी है किधर चला गया, यहां बिक गया या नहीं बिका, बस, ओके। तो चार में से अगर एक भी चीज वो नहीं है ऐसा अकाउंट दिमाग में वो सोच लो एंड फाइंड आउट दैट पर्टिकुलर थिंग एज अ बैलेंसिंग फिगर, ओके। यू विल राइट ऑन थर्ड नोट, लिखो उसी पेज पे, टू गेट द क्वांटिटीज ऑफ फिनिश गुड्स comma, make an account in this manner, to get the missing figures, ye bana lo please।
चलो वी ऑल आर रेडी फॉर द क्वेश्चंस, लेट अस स्टार्ट नाउ. सो आप लोग टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर वन नेक्स्ट पेज पे आ जाइए. पढ़िए क्वेश्चन नंबर वन. द फॉलोइंग इज द डेट ऑफ अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट एक्स. परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 48,000, डायरेक्ट वेजेस 40,000, वर्क्स ऑन कॉस्ट दैट इज एन ऑल्टरनेट नेम फॉर फैक्ट्री ओवरहेड्स. उन लोगों ने देके भी रखा हुआ है, नहीं दिया तो याद रखना. एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है रिलेटेड टू प्रोडक्शन, तो अपने को पता चल गया. अच्छा एक मिनट, अगर आगे नहीं दिया रहता इट इज अज्यूम टू बी विच एडमिन, जनरल एडमिन. आगे सेल्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स. सुनो मैं तो देखो, कभी अगर सेल्स दिया रहेगा तो कॉस्ट शीट फिर सेल्स तक बनाने का, ठीक है. आगे स्टॉक ऑन 1/4/2018, तीनों का स्टॉक्स दिया हुआ है. स्टॉक्स ऑन 31/3/2019, तीनों का स्टॉक दिया हुआ है लेकिन लास्ट वाले का अमाउंट नहीं दिया हुआ. एडवर्टाइजमेंट डिस्काउंट अलाउड इन सेलिंग कॉस्ट इज 0.40 पर क्विंटल, ठीक है. एडवर्टाइजमेंट डिस्काउंट अलाउड इन सेलिंग कॉस्ट विल फॉर्म S&D. नो आगे ड्यूरिंग द ईयर 25,600 क्विंटल्स ऑफ एक्स वर प्रोड्यूस्ड, प्रिपेयर कॉस्ट शीट. तो चलो ठीक है, सुनो अभी ना मैं जब क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ मैं यूजली वो चार चीजों के बारे में सोच लेता हूँ हमेशा बिफोर आई स्टार्ट विद द कॉस्ट शीट. कोई भी एक फिगर नहीं है, वी विल मेक दिस अकाउंट इन आवर माइंड एंड गेट द बैलेंसिंग फिगर. ओके तो सुनो सुनो सुनो, मेरे को बोलो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का क्वांटिटी दिया हुआ है क्या? सिर्फ क्वांटिटी के तौर पर आई एम इंटरेस्टेड. बोलो 1600 क्विंटल्स. मेरे को बोलो कितना यूनिट्स और प्रोड्यूस हुआ? 25,600. सेकेंड लास्ट लाइन पे वो दिया हुआ था. मेरे को बोलो अभी क्रेडिट साइड पे दो चीजों के अंदर से कौन सा चीज है? क्लोजिंग स्टॉक कितना क्विंटल्स बेटा? 3200. ओके तो आप इसको बैलेंसिंग फिगर के तौर पे निकाल लेना. ये नोट नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा इन एग्जाम्स ऑल्सो. ओके ये कॉमन सेंस ही है. ओके तो इन एनी केस ये कितना आता वैसे? 24,000. ठीक है तो चलो जस्ट कीप दीज पर्टिकुलर थिंग्स इन माइंड. ठीक है तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं विद द कॉस्ट शीट. तो कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड, उन लोगों ने डेट्स नहीं दिया तो नहीं लिखेंगे. फिर उसके बाद क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स 25,600, या क्विंटल्स लिख सकते हो या यूनिट्स लिख सकते हो, दैट इज ओके. क्वांटिटी सोल्ड ऑफ फिनिश गुड्स कितना आया था बेटा? 24,000. चलो लेट अस स्टार्ट. डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, सो ओपनिंग स्टॉक एंड परचेजेस less closing stock. तो opening stock of raw material 8,000 rupees का है inner column, purchases 48,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 6800, 49,200 पर यूनिट. कुछ मत लिखना. आगे डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट लेबर मतलब डायरेक्ट वेजेस 40,000 पर यूनिट. कुछ नहीं लिखना.
सुनो, अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ही नहीं तो लिखने का ही नहीं, डोंट वेस्ट योर टाइम इन ऑल दोस थिंग्स, ठीक है? तो दोनों का टोटल प्राइम कॉस्ट 89,200 एंड अभी यहां पे ना वो लंबा चौड़ा चीज मत लिखा करो, फैक्ट्री ओवरहेड्स मतलब वो एक्सक्लूडिंग ही होता है बेटा, इस चीज को आप लोग बोल देता है ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। कितना आ जाता है टोटल 1,06,000। सो याद अगर होगा तो इसके बाद अभी WIP स्टॉक एडजस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। सुनो सुनो, यहां तक सारे के सारे खर्चे आर डिपेंडेंट ऑन, तुम लोगों ने लिखा क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स प्लस, बोलो आगे, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ WIP। अभी ना तुम्हारी कॉस्ट शीट चैप्टर का डिसएडवांटेज है, बहुत सारे क्वेश्चंस के ना क्वेश्चन की वो गलती है, वो लोग ना तुमको WIP का क्वांटिटी नहीं देते। अगर देखोगे तो WIP का क्वांटिटी नहीं है। ये सब चीजों का पर यूनिट लाने के लिए ऑब्वियसली कॉमन सेंस है बेटा, आप लोगों ने खुद ब खुद वो लिखा था, ऑल दीज एक्सपेंसेस दिस 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 एंड दिस आर डिपेंडेंट अपॉन विच क्वांटिटी, क्वांटिटी प्रोड्यूसर फिनिश गुड्स प्लस WIP। तो मेरे को दोनों का क्वांटिटी तो दो, मेरे पास फिनिश गुड्स का क्वांटिटी है, WIP का नहीं है। तो तुम्हारा आंसर इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट टू सम एक्सटेंट, क्योंकि मेरे पास WIP का क्वांटिटी नहीं है। तो फिर मैं मजबूरी के अंदर ये फिगर्स का पर यूनिट लाने के लिए आई विल ओनली डिवाइड बाय फिनिश गुड्स का क्वांटिटी, याद रखना वो गलत है। लेकिन करेक्ट करने के लिए मेरे पास WIP का क्वांटिटी होना चाहिए, जो वो लोग तुमको प्रोसेस कॉस्टिंग वाले चैप्टर के अंदर देंगे, जब भी तुम लोग इक्वालेंट आउटपुट वगैरह निकालते हो वहां पे वो लोग तुमको WIP का क्वांटिटी भी तो देते हैं ना यार। ओके, जब वो वाला चैप्टर आएगा तब मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूं, लेकिन इन क्वेश्चंस के अंदर तो WIP का क्वांटिटी भी नहीं दिया हुआ। तो फिर वो अपनी गलती है या सम की गलती है जो भी, लेकिन तुम लोग ये वाला फिगर करेक्टली नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि ये वाला फिगर करेक्टली निकालने के लिए अपने पास WIP का भी क्वांटिटी होना चाहिए, जो नहीं है। तो मजबूरी अभी वी विल ओनली डिवाइड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स। ओके, तो अपना कैलसी लो जरा, 49,200 ये सब चीजों को क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स से डिवाइड कर लो। 49,200 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस बेटा कितना था, 25,600। टू डेसिमल्स तक लिखोगे तो भी चल जाएगा, 1.92 1.56। स्क्रीन पे देखो, ये अप्रोक्सीमेट आंसर था, राउंड ऑफ करके लिखा, ये अप्रोक्सीमेट आंसर था राउंड ऑफ करके लिखा। अप्रोक्सीमेट का अप्रोक्सीमेट टोटल करने से अच्छा इस चीज को फिर से डिवाइड करो, आंसर थोड़ा सा एक्यूरेटली वो आ जाएगा। तो खासकर जब ऊपर वाले दो आंसर्स अप्रोक्सीमेट वो होते हैं ना, फिर से डिवाइड करके बेटर आंसर ले आया करो, समटाइम्स माइट मेक अ डिफरेंस। 3.48 1,06,000 डिवाइडेड बाई 25,600 4.14। एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP less closing stock of WIP. ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP बेटा कितना है, 1,920। उसका पर यूनिट नहीं निकालते। WIP का क्लोजिंग 6,400। जो भी लेस करते हो जिंदगी में हर एक सब्जेक्ट में ब्रैकेट में रखा करो, वरना इन एंड एग्जाम के अंदर ही ऐड करोगे। नेट फैक्ट्री कॉस्ट
कितना आता बेटा ये 101520. सुनो मैं तुमको क्या बोलता हूं, वैसे भी अभी WIP स्टॉक निकल चुका है. ओके सुनो, तुमको इतना समझ में आएगा, ये पांच नंबर लॉजिकली स्पीकिंग तो अपने गलत हैं. ओके क्योंकि अपने पास कौन सा क्वांटिटी नहीं था WIP का, ठीक है. लेकिन मैं तुमको क्या बोलता हूं, WIP का बात इधर आकर खत्म हो गया ना, WIP के ऊपर जो भी खर्चा था यहां आकर खत्म हो गया. तो मैं क्या बोलता हूं, वैसे भी ये वाला फिगर कैन वी से इट्स ओनली इनकर्ड फॉर फिनिश गुड्स. अगर मेरा एग्जाम्पल याद होएगा तो ये 10.5 बेंचेस का कॉस्ट है, लेकिन ये कितने बेंचेस का कॉस्ट है, 10. तो मेरे को तो फिर इसको फिनिश गुड्स के क्वांटिटी से डिवाइड करना चाहिए, वो तो है ना अपने पास. ओके तो यहां तक ये सब गलत है, लेकिन यहां से अभी जो भी होगा वो करेक्ट है. ओके और वो हम लोग गलत नहीं कर रहे, सामने अपने को WIP के क्वांटिटी का डेटा नहीं दिया, तो वो सम की गलती है, अपनी गलती नहीं है. तो कैलसी लो 101520 डिवाइडेड बाई 25600, 3 point कितना आ जाता है बेटा, 97 ले लेता हूं, 2 decimal सब ले लेता हूं. अच्छा मेरे को बोलो यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन है, देखो वो लिखा हुआ है रिलेटेड टू प्रोडक्शन, तो कहने से फिर वो इधर ही आ जाएगा, जनरल होएगा तो नीचे होएगा, रिलेटेड टू प्रोडक्शन होएगा तो इधर आ जाएगा. तो यहां पर जरा लिखो एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन. कितना है बेटा, 3200. ऑब्वियसली 3200 डिवाइडेड बाई 25600, 0.125, 0.13 भी लिखने का है तो भी चलेगा. सुनो सुनो सुनो, अभी जब भी COP लिखते हो ना, थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना, क्योंकि यहां पे ब्रैकेट के अंदर आई वॉन्ट टू बी राइटिंग डाउन दिस. दिस इज अ कॉस्ट फॉर 25600 यूनिट्स दैट यू हैव प्रोड्यूस्ड. यहां पे लिखो 25600 यूनिट्स. एड अप करो 104720. तो कैलसी लेने का 104720 डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करेगा बेटा, 25600, राउंड ऑफ कर रहा हूं यार, 4.09. एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, दिस विल गिव यू COGS. सुनो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितने यूनिट्स का था, 1600, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 3200. सुनो, वो जो हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट शुरू में बनाया था, जो हम लोगों ने बुक्स के अंदर नहीं लिखा, वो एक्चुअली तुमको यहां पर भी दिखाई दे देगा. स्क्रीन पे जरा देखो, 1600 यूनिट शुरू में थे और कितने बनाए बेटा, 25600, एंड तक कितने बचे हुए हैं, 3200. तो कैन वी से बैलेंस, वी मस्ट हैव सोल्ड नो यार. तो यहां पे लिख सकते हो 24000. तो क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स मैं यहां पे लिख देता हूं, क्वांटिटी सोल्ड यहां पे लिख देता हूं, स्टॉक्स यहां पे. तो यहां पे भी एक्चुअली तुम्हारा अकाउंट वो बन ही जाता है, बट इन दिस मैनर. अच्छा अब मेरी बात सुनो, देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स टेक्सट बुक के अंदर जरा देखो रुपीज के अंदर कितना है बेटा, रुपीज कितना है, 6400. तो लिखो इधर 6400 अमाउंट के अंदर. अभी सुनो, हम लोग इतना स्टूपिड नहीं हो सकता टू डिवाइड दिस बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस या क्वांटिटी सोल्ड. बेटा दिस इज द कॉस्ट ऑफ दीज गुड्स ना यार, उसी से डिवाइड करेगा ना यार. तो 6400 अपॉन 1600 कॉस्ट कितना हो जाएगा, 4 rupees. अच्छा अभी स्क्रीन पे देखो तुमको जो बोल रहा हूं, ये वाले दोनों नंबर्स, ये वाली दोनों लाइंस याद कर लो, अभी कुछ और बताता हूं. सुनो मेरे को क्लोजिंग स्टॉक लिखने का है, ठीक है,
वो वाली दो लाइंस याद रखना. ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितने का था? 4 1600 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 4. 25600 यूनिट्स इस पीरियड के अंदर किस कॉस्ट के ऊपर प्रोड्यूस किए? 4.09. ठीक है. अभी तुमको मैंने क्या बोला, सर अपने को क्लोजिंग स्टॉक मांगता है. ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक मांगता है, दैट इज ओके, बट यू हैव टू फॉलो सम मेथड. से दैट बाय डिफॉल्ट आई फॉलो फीफो मेथड. तुम्हें फीफो जब आता है तब मैं फिनिश गुड्स के लिए फीफो मेथड कैसे सोच लेता हूँ? जो दुनिया में पहले आया वो दुनिया से पहले जाएगा, बराबर. तो जो फिनिश गुड्स पहले प्रोड्यूस हुआ, आगे बोलो, वो फिनिश गुड्स पहले बिक गया. तो कहने से जो बिका वो तो 24,000 था. तो 24,000 का दो पार्ट होएगा बेटा. दो पार्ट क्या हो जाएगा? इसके अंदर 1600 ओपनिंग वाला होएगा और 22,400 इस साल वाला होएगा. समझ में आता है? कहने से ओपनिंग स्टॉक का कॉस्ट कितना था? 4. इसका कॉस्ट कितना था? 4.09. मैं तुम क्या बोलता हूँ, ये सब कुछ वो जाने दो, बट कैन वी से ये 3,200 अभी सारा का सारा इसी के अंदर से होएगा ना यार. वैसे भी अगर एक्सप्लेन करने का है तो कहने से 25,600 के अंदर से कितना बिक गया बेटा? 22,400. कहने से बच कितना गया? 3,200. तो ये 3,200 यही है ना बेटा. ओके, तो ऑब्वियसली 3,200 विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट. वैल्यूड मतलब कॉस्ट निकाल लो बस. मेरे को बोलो कॉस्ट तो लिखा हुआ है ना यार ऑन द डेबिट साइड. कितने का कॉस्ट है तुम्हारा? 4.09. तो कॉस्ट शीट में आओ, यहां पर 3,200 के अगेंस्ट यहां पे लिखो 4.09. कैलसी लो, 4.09 इंटू 3,200 13088. एक ना ऐसा एरो मार लेना, क्योंकि फीफो मेथड के अंदर इवेंचुअली यही वाला नंबर इधर कॉपी हो जाएगा ना. सुनो, अभी कैलसी लेने का 104720 प्लस 6400 माइनस 13088, ये नेट फिगर आ जाता है 98032. सुनो अभी ना, इस फिगर को स्क्रीन पे देखो, डिवाइड बाय क्वांटिटी सोल्ड. COGS तक पहुंच गए, सो डिवाइड बाय क्वांटिटी सोल्ड नो, कितना आ जाता है? 4.08 चलेगा. प्लीज कभी ये तीन नंबर्स के साथ नहीं खेलना अभी. ओके, COGS तक पहुंचोगे, कॉमन सेंस है, इसको इससे डिवाइड करके ये वाला आंसर आएगा. ये तो पर यूनिट फिगर्स था, ठीक है. तो एक बार COGS तक वो पहुंच जाओगे, ऑब्वियसली डिवाइड बाय विच क्वांटिटी? यर क्वांटिटी सोल्ड. ठीक है, चलो आगे चल पड़ते हैं. एड यहां पे आ जाएगा एड. तो एड के अंदर अभी देख लो क्या बच गया बेटा. एडवर्टाइजमेंट, डिस्काउंट अलाउड एंड सेलिंग कॉस्ट, वो सारा का सारा एसएनडी ही हो जाता है वैसे. ठीक है, लेकिन कितना है बेटा? 0.40 पर यूनिट के अंदर. 0.40 वो लिख लो. मेरे को बोलो टोटल अमाउंट लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूं बेटा? क्वांटिटी सोल्ड. तो 0.40 इंटू 24,9600. ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स. Add profit, get sales. सुनो, सेल्स का अमाउंट टेक्सबुक ने दिया, इसलिए मैंने एड प्रॉफिट गेट सेल्स लिखा. तो 120,000. मेरे बोलो 120,000 रुपीज का सेल्स कितना यूनिट्स बेच के हुआ बेटा? 24. तो डिवाइड करेगा तो सेलिंग प्राइस मिलेगा. ये जो 5 रुपया है ये तेरा सेलिंग प्राइस है ऑब्वियसली. प्रॉफिट्स निकाल लो, बैलेंसिंग फिगर.
अच्छा सुनो, हम लोगों ने ना जब भी वैल्यू किया ना स्टॉक, हम लोगों ने फीफो मेथड फॉलो किया, ठीक है? लिख लिया करो ऐसे नोट नीचे, बस एक लाइन वो लिख लो, नोट, वी हैव फॉलोड फीफो मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, वी हैव फॉलोड फीफो मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। क्वेश्चन नंबर वन इज डन, क्वेश्चन नंबर टू पर आते हैं, पढ़िए। अ कंपनी गिव्स द फॉलोइंग डेटा फॉर अ मंथ, तो ये डेटा एक मंथ का है, ठीक है? मेक कॉस्ट शीट, तो चलो ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स 25,000 यूनिट, सेल्स ऑफ फिनिश गुड्स 26,000, डायरेक्ट मटेरियल 50,000 केजीज एट द रेट ऑफ 2 पर केजी, डायरेक्ट लेबर 40,000 आवर्स पेड एट द रेट ऑफ 5 पर आवर। अभी तुम लोग को आगे लिखना पड़ेगा कि हर एक एक्सपेंस किधर आएगा, ठीक है? तो सुनो, चार ऑप्शन वो लिखवाएगा तुमको, या फैक्ट्री, या एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन, या जनरल एडमिन, या S&D। अगर कुछ भी नहीं होएगा फिर उसको फाइनेंशियल के अंदर फेंक देंगे, फिर वो कॉस्ट शीट के अंदर वैसे भी नहीं आएगा, ठीक है? तो सबसे पहले फैक्ट्री रेंट फॉर द मंथ, मेरे को बोलो फैक्ट्री रेंट किधर आएगा बेटा, फैक्ट्री ओवरहेड्स। आगे डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री ओवरहेड्स। सैलरी टू जनरल मैनेजर, वहां पे लिख लेना एडमिनिस्ट्रेशन प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोडक्शन, ये वो वाला खर्चा है। अभी वो मींस दैट लंबा चौड़ा स्टफ, ओके, क्योंकि वो बार बार वो बोलने को मेरे को दिक्कत होता है। आगे सैलरी टू ऑफिस सेक्रेटरी, मेरे को बोलो किधर, जनरल एडमिन, ऑफिस का रेंट जनरल एडमिन, एडवर्टाइजमेंट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एक मिनट, नेक्स्ट वाला तो वो छोड़ दो, उसके बाद वाला सैलरी ऑफ सेल्स वुमेन, वो S&D के अंदर आ जाएगा, वो लोग गुड्स बेचता है। अच्छा सुनो, बैड डेट्स के लिए ना थोड़ा सा डाइवर्स व्यूज है, कई लोग बोलता है वो S&D के अंदर आएगा, कई ऑथर्स ऐसा भी है जो लोग बोलता है फाइनेंशियल के अंदर आएगा। ओके, यू कैन डू वन ऑफ द थिंग्स एंड राइट डाउन द नोट फॉर द अदर, कि भैया वो मैंने ऐसा किया है, ऐसा भी कर सकता था। तो आगे ना आप लोग लिख सकते हो ईदर S&D और फाइनेंशियल, ईदर S&D और फाइनेंशियल। आगे स्टॉक्स एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, रॉ मटेरियल 5,000 केजीज एट द रेट ऑफ 1.5, WIP 60,000, फिनिश गुड्स 2,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 16 पर यूनिट। उसके बाद स्टॉक्स एट द एंड ऑफ द मंथ, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स। ओके, फिनिश गुड्स का अभी तो क्वांटिटी भी नहीं दिया, चलो ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। अभी आंसर, जहां पे आंसर है वहां पे लिख देना कॉस्ट शीट फॉर द मंथ एंडेड, वो ईयर का कॉस्ट शीट है ही नहीं, मंथ का बनाएंगे, ऊपर डेटा मंथ का ही है, ठीक है? चलो स्टार्ट कर लेते हैं, देयर इज नथिंग मच टू डिस्कस। तो क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स, सम के अंदर ही दिया बेटा, कितना यूनिट्स प्रोड्यूस किया 25,000, बेचा कितना बेटा 26,000। सो राइट डाउन डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, सुनो सुनो सुनो, अभी एक और पंगा है, रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक उन लोगों ने रुपीस के अंदर नहीं दिया, लेकिन उन लोगों ने बोला ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितने किलो का था, 5,000, इट इज टू बी वैल्यूड एट व्हाट रेट यार, 1.5। तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक के आगे लिखो उसी कॉलम के अंदर 5,000 इंटू 1.5, और अब इधर लिखो 7,500। Add purchases, अच्छा टेक्सबुक में देखो और कितना परचेज किया बेटा, 50,000 केजीज एट व्हाट रेट यार, 2, 1 लाख।
लेस क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का कितना था? 10,000 कीजिए. सुन सुन सुन, देखो पिछली बार फीफो मेथड फॉलो किया था फॉर फिनिश गुड्स, वो तो मैं करूंगा ही करूंगा इस क्वेश्चन के अंदर भी, लेकिन अब मैं मटेरियल्स का बात कर रहा हूँ. आई विल स्टिल फॉलो फीफो मेथड, लेकिन सुनो फिनिश गुड्स के लिए फीफो मेथड कैसे सोचा जाता है? जो गुड्स पहले प्रोड्यूस किए वो पहले बेच दिए. लेकिन रॉ मटेरियल के लिए फीफो मेथड कैसे सोचा जाएगा? जो रॉ मटेरियल्स पहले खरीदा वो रॉ मटेरियल्स पहले कंज्यूम किया. तो कैन वी से ये जो 10,000 किलो का स्टॉक बचा होएगा बेटा वो परचेजेस के अंदर से ही होएगा ना. सो ऑब्वियसली मेरे को बोलो 10,000 की चीज विल गेट वैल्यूड एट, एक नंबर बोलो, 2 रुपीज. तो यहां पर लिख के रखो 20,000. Directly per. डायरेक्ट लेबर जो है 40,000 आवर्स एट द रेट ऑफ 5. तो यहां पे लिख देना 40,000 इंटू 5, 2 लाख. डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ही नहीं, प्राइम कॉस्ट 287,500. Add factory overheads. Underline करना. I think दो expenses था ना, factory overheads का दो expenses था ना, एक factory rent inner column 35,000 और उसके बाद depreciation on plant and machinery 40,000 80,000 कितना आ जाता बेटा 367,500. ये सब चीजों को क्वांटिटी प्रोड्यूस से डिवाइड करो, पर यूनिट निकालो. उसके बाद एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, जिनका हम लोग पर यूनिट निकालता ही नहीं. अमाउंट्स लिख लो 60-70 ब्रैकेट्स के अंदर. अच्छा इसका पर यूनिट तो निकालना पड़ेगा, कौन सी क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं? क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड 14.3.
add administration overheads related to production. उसके अंदर एक ही खर्चा था सैलरी टू फैक्ट्री मैनेजर. पॉइंट फोर आता है क्या? डिवाइड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस करो. दिस विल गिव यू सीओपी. This COP is for producing how many units here? 25,000 units. Add opening stock of finished goods. Next bit pe jagah hai, don't bother much. Less closing stock of finished goods. ये तुम लोगों को COGS दे देगा. मैं यहाँ पे स्टॉक्स का डेटा लिख रहा हूँ. तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितने यूनिट्स का था? 2000. COGS कितने यूनिट्स का है? 26,000 यूनिट्स. उतना यूनिट्स बिका है ना, वो तो अपने पास है. स्क्रीन पे देखो, अपने दिमाग में कुछ ना कुछ बैलेंसिंग फिगर निकालो. मेरा 2000 शुरू में था, स्क्रीन पे देखो, 2000 शुरू में था, 25,000 और बनाए, कितना हो गया? 27. उसके अंदर से कितना बिक गया अपना? 26. तो अपने पास क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितने यूनिट्स का होगा बेटा? 1000 यूनिट्स. अच्छा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स टेक्स्ट बुक इन्हें चेक करो, पर यूनिट उसका कितना दिया हुआ है? 16, 32,000. चलो, यू ऑल आर नाउ रेडी ओनली फॉर एवरीथिंग. मेरे को बोलो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स उसका पर यूनिट कितना लिखूं बेटा? 14.7. सो 14,700. $384,800. This is your COGS. Per unit चाहिए तो divide by 26,000. 14.8. Add. सुनो, यहाँ पे ना अभी मैं थोड़ा सा bifurcation करके वो लिख देता हूँ. General administration वो दो है, सैलरी टू ऑफिस सेक्रेटरी और ऑफिस रेंट, और एक एसएनडी. अच्छा, तुमको मेरे को एक चीज बताना पड़ेगा, तुम लोग बैड डेट्स को क्या बोलने वाले हो? एसएनडी के फाइनेंशियल मेरे को कुछ भी चलेगा. एसएनडी तुमको जो करने, मेरे को एक चीज तो वो बोलो ना यार. एसएनडी ठीक है, तो फिर एसएनडी के ना तीन चीजें आ जाएंगी. एडवर्टाइजमेंट, बैड डेट्स, सैलरी टू सेल्स वुमेन. इनर कॉलम 40,000, 8,000,
15,000, 10,000, 25,000. बस ये अमाउंट निकाल लेना, टोटल कर लेना कॉस्ट ऑफ सेल्स. सम के अंदर प्रॉफिट और सेल्स है ही नहीं, तो यहीं तक कॉस्ट शीट तुम्हारा आएगा. कितना आ जाता बेटा कॉस्ट ऑफ सेल्स? 18 पॉइंट. और टोटल फिगर 482.8. एक नोट या ऊपर या नीचे वेर एवर यू हैव वन लाइन, बस वो बैड डेट्स का लिख देना. बैड डेट्स हैव बीन ट्रीटेड एज S&D ओवरहेड्स. Bad debts have been treated as S&D overheads. Alternately, they can be treated as financial expenses. चलो लिसन, आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ प्लीज. एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट. अभी ऐसे क्वेश्चंस के ना वो लोग क्या करेंगे, तुमको एक साल का एक्चुअल डेटा देगा और तुमको नेक्स्ट ईयर का फोरकास्ट देगा. नेक्स्ट ईयर ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये होने वाला है, और तुम लोग नया डेटा बनाओ. ठीक है, तो एक एक्चुअल डेटा आएगा, एक एस्टिमेटेड डेटा आ जाएगा. ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड फर्निशेज यू The following information for 10,000 color TV tubes manufactured during the year 2019. Okay. Materials. Materials in this case 90,000. So, direct materials. Factory wages, matlab direct wages. Consumable stores. Mein tab dekho. It is koila wagera that is used in the machines. It is say phenol वगैरह which is used to clean the floors. Okay, ये सब चीजें cost sheet के ना factory overheads के अंदर याद है. उसको underline करो, लिखो factory overheads. Consumable stores को underline करो, लिखो factory overheads. आगे factory indirect wages 15,000. इनडायरेक्ट वेजेस मतलब जो बंदा झाड़ू मारता है ये वो सब कुछ, तो वो फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर ही आता है, लिख सकता है उधर. लाइटिंग ऑफ फैक्ट्री, तो वो फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर ही आता है. डिफेक्टिव वर्क कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन 3,000. मैं तब देखो, हम लोगों ने कुछ गुड्स बनाया, बराबर नहीं बना, तो अभी उसको बराबर करना पड़ेगा, तो मैं रेक्टिफिकेशन का खर्चा करेगा ताकि वो गुड्स ठीक हो जाए. मेरे को बोलो रेक्टिफिकेशन किधर होएगा, फैक्ट्री, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स. आप लोग उसको रीवर्क कॉस्ट भी बोल सकते हो वैसे. ओके,
आगे ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस. तो ऑब्वियसली देखो यहाँ पे सेलिंग के साथ ऑफिस जॉइंड है, तो मतलब ये वाला वैसे भी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एक्सपेंसेस ही होएगा, क्योंकि ये दोनों चीजें कंबाइंड हैं, तो इकट्ठा ही लिखना पड़ेगा ना यार. ओके, तो ये ऑफिस एक्सपेंस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस तुम्हारे सीओजीएस की नीचे वाली आइटम. आगे प्लांट रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एंड डेप्रिसिएशन 11,500. प्लांट मतलब मशीन होता है, उसका रिपेयर्स वगैरह किधर आ जाएगा बेटा, फैक्ट्री ओवरहेड्स. नेट सेलिंग प्राइस वॉज 31.6 पर यूनिट एंड ऑल द यूनिट्स वर सोल्ड. ये तुम्हारा एक पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हो गया, जिससे तुम्हारा पार्ट ए सॉल्व हो जाएगा. अभी पार्ट टू के लिए, एज फ्रॉम 1st of January 2020 द सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस टू 31 पर यूनिट. पिछले साल कितना था बेटा, 31.6. इस साल कितना हो गया, 31. इट इज एस्टिमेटेड दैट प्रोडक्शन कुड बी इंक्रीज इन 2020 बाई 50%. मेरे को बोलो पिछले साल कितने यूनिट्स बनाए थे, 10,000 फर्स्ट लाइन पे लिखा हुआ था. इस साल कितने से प्रोडक्शन बढ़ा दोगे, 50%, मतलब कितना यूनिट्स बनाओगे, 15,000. आगे रेट्स फॉर मटेरियल एंड वेजेस विल इंक्रीज बाय 10%. चलो ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, यू लाइक टू प्रिपेयर कॉस्ट शीट फॉर द ईयर 2019 शोइंग वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, estimated cost sheet and profit, estimated cost and profit for 2020 assuming that 15,000 units will be produced and sold during the year. 15,000 kaise aata hai apne ko malum hai, and factory overheads will be recovered as a percentage of direct wages and office and selling expenses will be recovered as a percentage of works cost. Works cost ka matlab hi factory cost hota hai. Okay, to likhne ka hai to udhar likh lena. तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं. वहां पे कॉस्ट शीट ऑलमोस्ट मैंने प्रिपेयर करके वो रखा हुआ है, सो लेट अस स्टार्ट. सुनो, एक पर यूनिट का कॉलम है, एक टोटल का कॉलम है. ओके, मेरे साथ ही करो दिस एंटायर सम प्लीज. ओके, स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल्स, तो 2019 पहले कंप्लीट कर लेते हैं, 90,000. तो एक मिनट मेरे को बोलो, फर्स्ट ईयर के अंदर कितना यूनिट्स प्रोड्यूस करके बेचा था, 10,000. तो क्वांटिटी प्रोड्यूस क्वांटिटी सोल्ड सब सेम है, तो इस क्वेश्चन के ना एक्चुअल को स्टॉक ही नहीं है, जितना बनाया उतना बेच दिया, तो फिनिश गुड्स का कोई स्टॉक नहीं है. रॉ मटेरियल और WIP का तो स्टॉक वैसे भी नहीं दिया हुआ यार. ओके, तो इस क्वेश्चन के ना पूरा का पूरा कोई स्टॉक नहीं है, तो यहां पे लिख लेना पर यूनिट 9, 10,000 यूनिट से डिवाइड करके. आगे डायरेक्ट लेबर 60,000 पर यूनिट कितना हो जाएगा, 6. पर यूनिट 50. एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स, आई गेस एक लंबा चौड़ा लिस्ट है. सुनो, अमाउंट और नाम दोनों अंदर वाले कॉलम के अंदर ही लिखना. ओके, बोथ इनसाइड प्लीज, क्योंकि यहाँ पर यूनिट का मैंने कॉलम दिया हुआ है, टोटल का एक ही कॉलम दिया हुआ है, तो इसलिए नाउ यू राइट डाउन द फिगर्स इन द कॉलम. तो कंज्यूमेबल स्टोर्स 12,000, इनडायरेक्ट वेजेस 15,000, लाइटिंग ऑफ फैक्ट्री 3,500, डिफेक्टिव वर्क 3,000, प्लांट रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक वो भी तो था ना, 11,500. सबका टोटल अभी बाहर निकाल लो. कितना आता बेटा, 45,000 पर यूनिट 4.5. सुनो,
generally this is called as gross works cost, lekin WIP stock nahi hai, this will become net works cost also. Uske baad administration production wala bhi nahi hai, theek hai, to is cheez ko directly kya bol sakte ho, cost of production. Finished goods ka stock bhi nahi hai, to isko directly abhi kya bol sakte ho, COGS, usko waisa bhi bol sakte ho, yahan factory ka, whatever, these all things will be same only. 1,95,000, 19.5. Add office and selling expenses, 39,000, 3.9 na barabar cost of sales kitna aata 2,34,23.40 add profit sales meko bolo selling price kitna tha beta 31.6 3,16,000 to profit kitna ho jayega 82,000 अच्छा अब मेरी बात ध्यान से सुनना ट्राई टू थिंक व्हाट एवर आई एम ट्राइंग टू टेल यू राइट नाउ देखो अभी अपना मेन फोर्टे व्हाट एवर वी डू एक्चुअली इज सीए फाइनल दैट इज आवर मेन बिजनेस ओके व्हाट वी ऑल डू अभी सीए फाइनल का अपने पास लास्ट ईयर कुछ अराउंड 1800 स्टूडेंट्स था इन द एंटायर ईयर इन ऑल आवर फोर सेंटर्स पर स्टूडेंट मेरा बुक्स का कॉस्ट सपोज 5,000 रुपया लगता है ठीक है तो 1800 इनटू 5,000 कैन वी से दिस विल बी बुक्स कॉस्ट इन द लास्ट ईयर ठीक है कैन वी से बुक्स कॉस्ट फॉर मी इज काइंड ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ओके तो चलो ठीक है अभी ध्यान से सुनना मैं तुमको क्या बोलता हूं मैं तुमको ये बोलता हूं इस साल ये तो लास्ट ईयर की कहानी थी लास्ट ईयर ओके अभी इस साल के अंदर कुछ ऐसा होने वाला है मेरा जो पब्लिशर है वो बोलता है पेपर का दाम बहुत बढ़ गया सर तो मैं आपको बुक्स भी महंगा देगा मैंने बोला ठीक है कितने में बोलता 10% ज्यादा तो मेरे को बोलो अभी सोच समझ के एक मिनट पहले अपना कैलसी लो 1800 into 5000 मारो कितना आता है 90 लाख करेक्ट तो लास्ट ईयर मेरा बुक्स का कॉस्ट 90 लाख था सोचना उसके बाद बोलना मेरा सप्लायर मेरे को ये बोलता है सर बुक्स का दाम अभी वो बढ़ जाएगा मैं 10% से रेट बढ़ाएगा अभी अक्कल यूज करो पहले सोचना इस चीज को 10% से बढ़ाऊं कि इस चीज को 10% से बढ़ाऊं एक मिनट फर्स्ट फिगर के सेकंड फिगर फर्स्ट फिगर क्योंकि ये बुक्स के बारे में बात है पहले एक स्टूडेंट के पीछे मेरा खर्चा कितने का होता था 5,000 अभी कितने का हो जाएगा 5,500 एंड ऑब्वियसली फिर मैं देखूंगा इस साल कितने स्टूडेंट्स आएंगे सपोज इस साल 2,000 स्टूडेंट्स आएंगे तो ऑब्वियसली मेरा इस साल का कॉस्ट विल बी 1.1 crore ओके याद रखना कभी भी मटेरियल और लेबर के बारे में वो लोग बोलेगा ना कॉस्ट हैज इंक्रीज्ड बाय 5% Obviously, it means cost per unit has increased by 10% because these are variable cost. Variable cost by their nature are per unit cost only. ठीक है? तो जब वो लोग बोलेगा cost जो है 10% से बढ़ गया मतलब per unit cost 10% से बढ़ गया अब जरा देखो एक और चीज ध्यान से सुनना मेरा इस जगह का जो rent है factory का rent okay ये वाला बिल्डिंग जो है हम लोगों ने वो रेंट के ऊपर लिया हुआ है मेरा साल का रेंट 50 लाख रुपए है मेरा लैंडलॉर्ड मेरे को धमकी देके जाता है नेक्स्ट ईयर रेंट 20% से बढ़ा देगा तो कैन वी से 20% तो अब मैं इसी फिगर के ऊपर वो डालेगा ना यार तुमको फर्क समझा क्या हुआ इसके अंदर और इसके अंदर फर्क समझा कि क्या हुआ ये पर यूनिट कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट है लेकिन ये कौन सा कॉस्ट है फिक्स्ड कॉस्ट
फिक्स्ड कॉस्ट विल इंक्रीज इन लम सम. ओके, तो कभी भी वो लोग बोलेगा फिक्स्ड कॉस्ट 10% से बढ़ गया, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट लम सम के अंदर 10% से बढ़ गया. वो लोग बोलेगा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 5% से बढ़ गया, मतलब डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट 5% से बढ़ गया. समझ में आता है? तो अभी हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं. सुनो, मेरे को बोलो नेक्स्ट ईयर कितना यूनिट्स बनने वाला है? 15,000. तो देखो वहां पे एक लाइन है, रेट्स फॉर, एक मिनट में शुरू से स्टार्ट करता हूं ना, रिक्वायर्ड पार्ट के ऊपर दो लाइन. एज फ्रॉम 1st of January 2020 सेलिंग प्राइस विल बी रिड्यूस टू 31. इधर आ जाओ, यहां पे लिख लो 31. फिफ्टीन थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर लो. कितना आता बेटा? 4,65,000. ठीक है, आगे. It is estimated that production could be increased in 2020 by 50% due to spare capacity. ठीक है, तो वो 15,000 हो जाएगा. We all know that. Rates for material and wages will increase by 10%. Screen पे देखो 10% क्या बढ़ाऊं? Per unit के total? Per unit. तो 10% से बढ़ाओ, 9.9 कर दो, 6.6 कर दो. And obviously multiply by, मेरे को बोलो कितने यूनिट से मल्टीप्लाई करेगा? 15,000. तो करो प्राइम कॉस्ट तक पहुंचो. अच्छा देखो, प्लीज याद रखना, वेरिएबल कॉस्ट होते हैं ना, और उसके लिए बोलेंगे पर यूनिट, सॉरी कॉस्ट 5% से बढ़ गया, मतलब कॉस्ट पर यूनिट 5% से बढ़ गया. फिक्स्ड कॉस्ट होंगे, वो लोग बोलेंगे 10% से बढ़ गया, मतलब लमसम 10%. लेकिन अभी ओवरहेड्स के अंदर तो बेटा फिक्स्ड पार्ट भी हो सकता है, वेरिएबल पार्ट भी. इन केस अगर अपने पास बाइफरकेशन होता तो फिर अलग बात थी. ओके, लेकिन ऐसा कुछ बाइफरकेशन तो नहीं है. तो फैक्ट्री ओवरहेड्स के साथ क्या होगा वो तो सम ही बताएगा. सम ने बताया लास्ट लाइन पे. रिक्वायर्ड पार्ट पे आओ, सेकेंड लास्ट लाइन पढ़ो पूरे क्वेश्चन का. Estimated cost sheet and profit for the year 2020, assuming that 15,000 units will be produced and sold during the year. Aage zara padho. And factory overheads will be recovered as a percentage of direct wages. Screen pe dekho. Wo log kya bolta hai? Factory overheads will be recovered as a percentage of direct wages. To uska matlab kya hai? Jaise jaise wages change hota hai, वैसे वैसे फैक्ट्री ओवरहेड्स भी चेंज हो जाता है. तो कॉमन सेंस है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विल वर्क. क्योंकि उस चीज का मतलब क्या होगा, जो चीज वेजेस के साथ हुआ वही चीज फैक्ट्री ओवरहेड्स के साथ भी होएगा. तो एक सेकेंड, लेबर पिछले साल कितना था? 60,000. वो कितना हो गया? 99,000. तो 45,000 कितना हो जाएगा? तुमको समझ में आता है? मेरे को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किस चीज के साथ करने का है? वेजेस के साथ. उन लोगों ने देखो लाइन क्या दिया, फैक्ट्री ओवरहेड्स विल बी रिकवर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ वेजेस. तो फैक्ट्री ओवरहेड्स का रिश्ता किस चीज के साथ है? वेजेस के साथ. तो जो वेजेस के साथ होएगा वो फैक्ट्री ओवरहेड्स के साथ भी हो जाएगा. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 60, 45 था तो 99 कितना हो जाएगा? 74,250. यहां पे लिख लो 74,250. सुनो, नीचे तुम्हारे पास थोड़ा सा तो वो जगह है, मेरे को दो तीन लाइन चाहिए. पहले मैं लिख देता हूं, देन इन दैट केस यू ऑल कॉपी. सुनो, फैक्ट्री ओवरहेड्स सिंपल काम कर रहा हूं, 2019 2020, डायरेक्ट वेजेस फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये कितना था बेटा? 60,000. तभी ये कितना था? 45.
ये बढ़कर कितना हो गया 99,000, तो ये कितना हो जाएगा 74,250। ये कॉपी कर लो नीचे। ऐसा एक और छोटा सा नोट आ जाएगा फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड एसएनडी आल्सो। बस चलो सुनो, कॉस्टशीट में आओ। 74,250 पर यूनिट निकालो। कौन सी क्वांटिटी से डिवाइड करेगा बेटा? क्वांटिटी प्रोड्यूस या सोल्ड, वो 15,000 है ना, 4.95। एड अप करो, 247,250 + 74,250, 321,500। करेक्ट है 321,500? 321,750। ये कितना आ जाए बेटा? 21.45। सुनो, देखो एडमिन और एसएनडी के बारे में क्या दिया। लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन पढ़ो। An office and selling expenses as a percentage of, जोर से नाम बोलो, as a percentage of works cost। works cost बेटा मतलब factory cost होता है। तो जैसे तुम लोगों ने factory overheads निकालने के लिए wages के साथ cross multiplication किया, admin और S&D के लिए factory cost के साथ cross multiply करो, ठीक है? तो बिल्कुल वैसे ही तैयार करता हूँ यार। 2019, 2020, तो फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट मतलब वर्क्स कॉस्ट होता है बेटा, 1,95,321,750। एडमिन और एसएनडी कितना था? 39,000। कितना आ जाता बेटा? 64,350। ये इधर डाल लो, अपनी कॉस्ट शीट खत्म कर लो। प्रॉफिट बस निकाल लेना, 78,900। अपना नोटबुक निकालो। यू मस्ट हैव गॉट वन नोटबुक टू राइट नो, वहां पे वट एवर आर थिंग्स दैट आई वॉन्ट यू ऑल टू रिमेंबर, आई विल जस्ट गिव यू इन अ पॉइंट फॉर्म। और अगर कोई क्वेश्चन के लिए फॉर्मेट छोटा पड़ेगा, दैट ऑल्सो विल ट्राई टू सॉल्व इन द नोटबुक। Write down, I will not forget. You write down like that.
Write down, I will not forget. Write down first. DM and DL costs are per unit costs, that is variable costs. Second, whenever variable cost will increase by 10%, any percentage I'm just giving by 10%, comma, it means that variable cost per unit will increase by 10%. Third, whenever fixed cost will increase by 10%, comma, fixed overheads in lump sum will increase by 10%. अभी तक के लिए इतना.